नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर वार्ड नंबर 23 स्थित प्रकाश नगर क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह शेखावत एवं नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय द्वारा डस्टबिन और कपड़े की थैली का वितरण किया गया। एक और दो भैया फोटो फिर 29 बात कर देते हैं ना दादा। और सब बढ़िया था भैया, इसका उपयोग भी करना तू। एक ही बात है आपको उपयोग करना बहू बुला ले तो आ गए इधर देखे सामने आप लोगों का सहयोग चाहिए कचरा गाड़ी में डालना। तीन देना पड़ेगा, तीन तीनों पीछे सोनी जी साइड में जाओ ना। चलो राजू सूखा को अटैक आ गया था, दो ही मियाँ बीबी गए। आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे मेरे पे तो मेहरबान है पुराना घी गौ ये वो कचरा कचरा गाड़ी आएगी ना उसके लिए है। कचरा गाड़ी में डालना और ये सब्जी लाने के लिए झोला। बस आशीर्वाद तो ऐसे आते रहे हर बार बेटा मेरे।
कचरा डालना गाड़ी में और ये सब्जी लाने का रोज की जाकर चला मान ले पूछता है ये आपका आज माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी और समाज स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष जी और सारे पार्षदों के साथ में बहन विनीता कमल शर्मा जी के वार्ड में जहां हमने आज स्वच्छता को लेकर बिल्कुल गलियों के अंदर फातिमा कॉन्वेंट के पीछे गलियों का हमने रोचक निरीक्षण करा कि वहां साफ सफाई कैसी है। आज मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि सुदूर जो गलियां हैं बिल्कुल जहां बहुत कम थे उसके बावजूद भी वहां पर काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई थी और हमने पूछा भी कि वहां गाड़ी वगैरह कचरे की आती कि नहीं, तो माता और बहनों ने कहा कि निश्चित रूप से समय पे गाड़ी आती है। मैं इसके लिए नगरपालिका अध्यक्ष सभापति जी और सारे टीम को बधाई दूंगा कि लगातार जो हमारी टीम शहर में घूम रही है उसके कारण कर्मचारी भी सतर्क है। मैं कर्मचारी भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को कि वो लोग भी सतर्कता के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के सपने को साकार कर रहे हैं। आज हमने जो कचरे की छोटी बाल्टियां थी डस्टबिन था वो भी इस वार्ड में बांटने का काम करा ताकि लोगों में और जागरूकता आए और जैसा कि हम सबका सपना है कि नागदा नंबर वन स्वच्छता में आए, मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में जो हम सब की जनप्रतिनिधि हो चाहे कर्मचारी सब सजग और सतर्क हैं और सजग और सतर्कता का परिणाम आने वाले समय में सुखद होगा। मैं फिर एक बार नागदा शहर की जनता से अपील करूँगा कि नागदा अगर स्वच्छ होगा तो स्वस्थ नागदा होगा, हम सब लोग स्वस्थ होंगे। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 23 के अंदर हमारी पार्षद विनीता शर्मा जी के साथ में हमारे सभापति जी उषा जी गुजर एवं हमारे लोकनिर्माण समिति के चेयरमैन हरीश जी अग्रवाल और पूरी टीम के साथ में विधायक जी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 23 में आज हमने घर घर डस्टबिन और एक कपड़े की थैली का वितरण किया है। डस्टबिन का उपयोग कचरे के संग्रहण के लिए किया जाएगा एवं थैली जो हम पॉलीथीन मुक्त नागदा को करने जा रहे हैं। बड़ी भयानक स्थिति है कि पॉलीथीन का उपयोग आज भी जोरों पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हम नागदा नगर में पूर्णतः पॉलीथीन को उपयोग में करने से रोक पाएंगे। आज विधायक जी के नेतृत्व में पूरे वार्ड के अंदर हमने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई से लेकर अन्य प्रारंभिक गतिविधियों को देखा और यहाँ के आशीर्वाददाताओं की राय भी ली कि यदि नगर पालिका परिषद के द्वारा कोई कमी पेशी हो तो हमें बता सके। प्रतिदिन नागदा नगर के एक एक वार्डों में जाकर हम वहाँ के नागरिकों से उनके सफाई के विषय में भी पूरी चर्चा करते हैं और हम क्या सुधार कर सकते हैं वो सुधार की ओर भी हम काम करते हैं। जैसे कि किसी वार्ड में अगर कहीं सड़क नालियाँ और रोड के अलावा और भी कोई समस्या होती तो उसको भी तुरंत सुधार करने का हम प्रयास करते हैं। माननीय विधायक जी और हमारे समस्त वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं के माध्यम से उनके सहयोग से हम नागदा नगर को स्वस्थ सुंदर और विकसित स्वच्छ नागदा और स्वस्थ नागदा बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं नागदा नगर की जनता के आशीर्वाद से हम उसमें सफल होंगे। धन्यवाद।